In this session, we will learn the concept of ambiguous and unambiguous grammar. Okay? Means, आपको एक ग्रामर गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन ग्रामर है क्या ये ambiguous है या ये unambiguous है. Okay? तो पहले तो ambiguous के मीनिंग को समझते हैं कि ambiguous एक ग्रामर इसका मीनिंग क्या है. Okay? कहता इफ देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रिंग डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल ऑफ जी. कहता है कि अगर एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है जो कि जनरेट हो रही है उसी ग्रामर से. ओके, एटलीस्ट वन स्ट्रिंग फॉर विच, अगर इन तीन बातों में से कोई सा भी पॉइंट ट्रू है, इट मींस द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस. पहला पॉइंट क्या है, उस स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पार्स ट्री है, और जब एक से ज्यादा पार्स ट्री कहा जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट मींस डिस्टिंक्ट पार्स ट्री है, तो ग्रामर क्या है, गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस. अगर इस बात को नहीं हम चेक कर हैं, तीन में से कोई सा भी एक ट्रू है, मींस ग्रामर एम्बिगुअस है. मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अगेन डिस्टिंक्ट, मोर देन वन डिस्टिंक्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो भी ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस है. अगर यहां पर मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन, अगर उस स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन हैं, तो भी ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस है. और अगर ऐसा नहीं है तो ग्रामर क्या है, अनएम्बिगुअस. अगर कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये ग्रामर गिवन है और इस ग्रामर में आपको बताना है कि ये एम्बिगुअस है ग्रामर या नहीं एम्बिगुअस है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक स्ट्रिंग ऐसी कम से कम सोचनी है कि जिसके लिए इन तीन में से कोई एक पॉइंट को आप ट्रू करा सको. या तो आप एक से ज्यादा पास्टी बना सको, या तो एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिख सको, और या तो एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख सको. अगर ऐसा आप कर पाते हैं, मतलब गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस. द नेक्स्ट पॉइंट इज, कई बार जो है रीडर्स कंफ्यूज होते हैं किस बात पे, मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यहां से क्या बोल दिया, बोले कि एक स्ट्रिंग के लिए एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन है और दोनों डिस्टिंक्ट है, तो क्या यह कह दिया जाए कि ग्रामर एम्बिगुअस है. द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो. ओके, एंड नाउ वन एग्जांपल ऑन इट. ओके, सो गिवन अ ग्रामर दिस वन, एंड द क्वेश्चन इज वेदर दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट एम्बिगुअस. कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला था कि इस ग्रामर, ये ग्रामर जो स्ट्रिंग्स जनरेट करती है उसमें से कोई भी एक स्ट्रिंग अगर ऐसी मिल जाए जिसके लिए हम एक से ज्यादा पार्स ट्री बना सके, या एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिख सके, या एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख सके, इनमें से कोई सा भी एक काम हो जाए, तो गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस. तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि इसकी एक स्ट्रिंग कौन सी ऐसी हो सकती है जिसमें इनमें से कोई, तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए. ओके, सो दैट वी कैन मींस और विद दैट यस द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस. तो मैंने सपोज करो इस ग्रामर की एक स्ट्रिंग ले ली है ए. ओके, अब मैंने इसके लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिखा, तो एस डिराइव्स ए एस, यहां लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो स्कैनिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी और जैसे ही नॉन टर्मिनल मिलेगा उसको, पहला नॉन टर्मिनल मिलेगा उसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा. तो यहां से स्टार्ट हुए, जैसे मिला तो ए एस से ही एक्सपैंड कर दिया, फिर से इधर से इसकी स्कैनिंग या ट्रैवर्सिंग की गई लेफ्ट राइट, और जैसे ही नॉन टर्मिनल मिला पहला उसको एक्सपैंड कर दिया गया, तो एस को एक्सपैंड किया गया है एप्सिलॉन से. ओके, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, तो यहां से इसको क्या बोल दिया, ए ए. ओके, स्ट्रिंग डिराइव हो गई. द सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एस से मैंने ए एस पिक किया है, इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन किया, पहला नॉन टर्मिनल एस दिखाई पड़ा, मैंने अब की बार इसका दूसरा प्रोडक्शन यूज किया एस ए,
तो एस को मैंने एक्सपैंड किया ऐसे ऐसे, और जब इसके नेक्स्ट लेवल पे गया, इसको इधर से स्कैन कर रहा था, जैसे ये दिखाई पड़ा तो इसकी जगह पे क्या रख दिया, एप्सिलॉन। तो यहां से ये क्या बन गया, ए ए। आप दोनों इन डेरिवेशंस को देख सकते हैं, ये डिस्टिंक्ट है। फॉर स्ट्रिंग ए ए वी हैव टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड हेंस द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस। ओके, सपोज करो मैं ये काम ना कर पाता या नहीं करना चाहता, पहले मैंने क्या किया, राइट मोस्ट डेरिवेशन लिखने स्टार्ट किए। राइट मोस्ट डेरिवेशन में मेरा गोल अभी भी वही था कि मुझे जनरेट कराना है ए ए, लेकिन लिखना है राइट मोस्ट डेरिवेशन। मैंने एस से ए एस पिक किया, अब की बार क्या करूंगा, राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग करूंगा, जैसे ही पहला नॉन टर्मिनल मिलेगा उसको एक्सपांड करूंगा। तो इधर से इधर गया ए एस, और इसके बाद ये जैसे ही यहां पे आया एस, मुझे पहला ही नॉन टर्मिनल मिल गया, तो मैंने एस को ए एस से रिप्लेस करा दिया ये यहां। और इस तरीके से फिर से क्या करूंगा, राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग करूंगा, और जैसे ही नॉन टर्मिनल मिलेगा उसको क्या कर दूंगा, एक्सपैंड कर दूंगा। तो इस एस को मैंने एक्सपैंड कर दिया नल से, अल्टीमेटली आई गॉट ए ए। ओके, द सेकेंड राइट मोस्ट डेरिवेशन इज दिस वन। यहां से एस से ऐसे किया है, मैंने इसको स्कैन किधर से किया, राइट टू लेफ्ट, जैसे ही नॉन टर्मिनल दिखा एक्सपैंड करूंगा। यहां से मैंने इसको एक्सपैंड किया ऐसे से, यहां इसको फिर से राइट टू लेफ्ट स्कैन किया, और जैसे ही नॉन टर्मिनल मिलेगा फिर से इसको एक्सपैंड करूंगा। तो एस को एक्सपैंड कर दिया एप्सिलॉन से, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल गया, ए ए मिल गया। अगेन टू डिस्टिंक्ट आरएमडी राइट मोस्ट डेरिवेशन। एंड अगेन मैं सिर्फ इतने को देख के बोल सकता हूं कि द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस। ओके, अगर मैं ये दोनों काम नहीं करना चाहता हूं, ओके, और मैं सिंपली, सबसे आसान होता है पार्स की बनाना, तो मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग के लिए इस ग्रामर का यूज करके ये देखिए यहां पर दो डिस्टिंक्ट पार्स की बना विदाउट थिंकिंग अबाउट द एलएमडी एंड आरएमडी एंड ऑल दैट, जस्ट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट टू डिफरेंट पार्स ट्रीज फॉर द स्ट्रिंग ए ए। इफ यू आर एबल टू डू सो देन द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस। और यहां पर चूंकि हम दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स ही बना पा रहे हैं, इसलिए ग्रामर एम्बिगुअस। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल। द गिवन ग्रामर इज ई डिराइव्स ई प्लस ई स्टार ई ई एरो ई आई डी। इस एरो को हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एज्यूम कर रखा, लाइक अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 की पावर 3। ओके, अब हमने कहा कि आपको मींस आंसर करना है whether this given grammar is ambiguous or unambiguous। तो कैसे प्रोसीडिंग इसमें की जाती है, ये ग्रामर जितनी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, अगर उनमें से किसी एक स्ट्रिंग के लिए भी मैं एक से ज्यादा पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर दूं, या एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिख दूं, या एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख दूं, इनमें तीन में से कोई सा भी एक काम कर पाऊं, तो गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस एंड अदरवाइज अनएम्बिगुअस। तो मैंने क्या किया, इसकी ये स्ट्रिंग कंसीडर की, आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, और उसके लिए मैंने क्या किया, ये दो पार्स ट्री बना दिए, दो डिस्टिंक्ट पार्स ट्री बना दिए। एंड देयर जो क्या कर रहे हैं, यहां पर देख लो, आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। ओके, और यहां पर आईडी प्लस आईडी और प्लस आईडी, मींस यहां से आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं, आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, और ये इस तरह से सेम स्टोरी, यहां पर दो पार्स ट्री बन रहे हैं, एंड हेंस द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस। पार्सर मे जनरेट एनीवन। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप कहेंगे कि इस स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री जनरेट करो, क्योंकि किसी तरह की कोई कंप्यूटेशन करनी है और वो कंप्यूटेशन पार्स ट्री के ऊपर हो रही है, तो पार्सर इनमें से कोई सा भी पार्स ट्री जनरेट कर सकता है, और इन दोनों में से दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है, इनमें से कोई एक ही करेक्ट है। तो अब इस केस में ये एक तरह की प्रॉब्लम है, इट इज ए प्रॉब्लम फॉर पार्सर कि कौन सा इसमें से पार्स ट्री जनरेट कराया जाए। ओके, एंड दैट्स डन।